मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम जो बात कर रहे हैं लगातार आप तक वह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया और देश में क्या कुछ चल रहा है। आंकड़े आप स्क्रीन पे लगातार देख रहे हैं, उसके साथ ही कुछ ऐसी फील्ड जो है या कहें कि ऐसा समाज का व्यवसाय का जो तबका है उसको भी हम फ्रंट तक लाने की कोशिश करते हैं और उनके आवाज हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो चाहे हमारे प्रांत के हों या फिर हमारे मुल्क की हों। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना संक्रमितों के साथ ही मौत का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो नए मरीज बढ़ने के मामले में भारत चौथा देश बन गया है। लॉकडाउन 3 में दी गई छूट के बाद ये आंकड़े और तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिससे तय माना जा रहा है कि हालात और बिगड़ेंगे। अगर इस रफ्तार से ही संख्या बढ़ती है तो 15 अगस्त तक पॉजिटिव केसों की संख्या 2,74,00,000 पहुंचने की आशंका है। वहीं अनुमान है कि जून के अंत में हर दिन करीब 1,00,000 केस सामने आ सकते हैं। अब कोरोना के ये आंकड़े मुश्किल में डालते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इकोनॉमी का पहिया दौड़ाने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 में औद्योगिक गतिविधियों को छूट दे दी है। इसमें सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और गवर्नमेंट उद्योग की सुध नहीं ली। साथ ही एमएसएमई इंडस्ट्री के कारोबारियों के मुताबिक अभी 3 महीने तक उत्पादन में फ्लो नहीं आएगा। उधर कोरोना की चुनौती के बीच देश को एक और चुनौती से जूझना पड़ सकता है, वो है सियासी चुनौती। अब देश इस घातक महामारी की चपेट में आ चुका है, तब कोरोना की सियासी रार शुरू हो चुकी है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीसी के जरिए बात की और कहा था कि केंद्र सरकार का 17 मई बाद क्या प्लान है। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों के मुखिया लगातार कह रहे हैं कि केंद्र उनकी आर्थिक मदद नहीं कर रहा। कांग्रेस का तो ये भी आरोप है कि केंद्र के पास न तो कोरोना से लड़ने का कोई प्लान है और न ही सुरक्षित आर्थिक योजना। किसी भी देश में जब आर्थिक, सामाजिक और सीमा विवाद जैसे संकट आते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट देखे जाते हैं, क्योंकि तब आर्थिक और रक्षात्मक फैसलों में देश का भविष्य तय होता है। लेकिन कोरोना महामारी के इस वैश्विक संकट में भी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच डायलॉग की भारी कमी है। इससे मुश्किल की इस घड़ी में देश और भी बड़ी मुश्किल में आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तकलीफें हैं और किस किस को हो रही है इसमें कोई नहीं बात नहीं, हर कोई इससे प्रभावित है। लेकिन नई बात यह है कि लोग अपनी व्यवसाय, अपनी जिंदगी को लेकर के चिंतित कैसे हैं और वो चिंता में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सरकारों से क्या अपेक्षा करते हैं, तो वह हम चर्चा कर रहे हैं। चले अब हम बात करेंगे कि कोरोना के इस तीसरे फेज के बीच ही जो 17 तारीख को पूरा हो रहा है, इसे भी सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्रियों के साथ, जो कांग्रेस शासित प्रदेशों के हैं, प्रमुख नेताओं से जो चर्चा की, उसने पूछा है कि केंद्र सरकार को बताना चाहिए 17 तारीख के बाद में क्या होगा। यानी कि लॉकडाउन बनना तय है, लेकिन किस तरह से बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ये हम सब लोगों को इंतजार है कि क्या इसी तरह से आगे सिलसिला चलेगा या फिर कुछ और स्थितियां दी जाएंगी या फिर कुछ इसे और लार्ज स्केल पर बढ़ाया जाएगा या कुछ और सख्त रवैया इख्तियार करेगी गवर्नमेंट। ये तमाम जो पहलू हैं वह जानना चाहती है कांग्रेस। तो चलिए, श्याम सुंदर शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, रामकृष्ण मीना साहब विधायक गंगापुर सिटी से जुड़े हैं, रामलाल शर्मा जी हमारे साथ में भाजपा विधायक जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जी सोनिया गांधी जी का यह सवाल कि सरकार आगे की रणनीति बनाए और बताए कि 17 तारीख के बाद में क्या है, इससे दो सवाल निकल रहे हैं इसमें। एक सवाल तो यह है कि कोई जानना चाहता है 17 के बाद में क्या होगा, अभी 10 दिन का समय है सरकार के पास में। दूसरी बात, महामारी दुनिया के सामने मुंह आए खड़ी है, इसमें किसी को कोई दोष नहीं दे रहा सिवाय चीन के, तो ये माना जा सकता है कि ऊपर सरकारों के स्तर पर डायलॉग का अभाव है, अपोजिशन पार्टियों के साथ में सरकार चर्चा नहीं कर रही है, जो कई बार इस तरह की बातें निकल के आ रही है। महामारी में आई थिंक सभी को मिलकर उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, तो ये गैप नहीं दिखाई दे रहा आपको, इसी वजह से सोनिया गांधी को ये कहना पड़ा? देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बात कर लेते हैं, 4 बार बात हो चुकी मुख्यमंत्रियों से, लेकिन जब देश की बात हो रही है तो आपके प्रतिपक्ष के सभी पार्टी के लोग मौजूद हैं, तो आपको निश्चित रूप से उनसे भी बात करनी चाहिए। सोनिया गांधी ने पत्र लिखे, 3 बार पत्र लिख चुकी है अब तक, और वो अब प्रधानमंत्री से पूछने कि 17 मई के बाद क्या स्थिति बनेगी, आखिर केंद्र सरकार क्या करना चाहती है, लॉकडाउन किस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से कैसे खोलेगी और क्या आगे बढ़ाना चाहेगी, क्योंकि आप देखिएगा इसी माह
अभी अभी चल रहे हैं, और ईद आएगी, और ईद से पहले अगर देश का लॉकडाउन समाप्त कर दिया जाता है तो स्थिति, क्योंकि नए तरीके से गतिविधियां शुरू हो गई है, देश में बहुत सारे चीजें हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ से देखिए जिस प्रकार से रोगियों की संख्या बढ़ रही है, ये देश के लिए, हमारे प्रदेश की चिंता का विषय है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में कहा है कि अंतर्राज्य सीमाएं सील करी हमने, उनको आशंका है कि हमारे यहाँ बाहर से लोग आ गए तो स्थिति खराब होगी, क्योंकि सोनिया गांधी से भी उन्होंने सीधे तौर पर बात की और अपनी पीड़ा बताई है कि केंद्र सरकार हमें कुछ दे नहीं रही है, आप अपने स्तर से मांग उठाइएगा। तो इसलिए सोनिया गांधी जी ने पीएम से पूछा है कि आप बताइए, गए देश को बताने का प्रयास करें कि केंद्र सरकार आगे की रणनीति क्या चाह रही है देश में, और किस प्रकार से हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। आज मैं प्रधानमंत्री जी को सुन भी रहा था कि उन्होंने बुद्ध, गौतम बुद्ध के आधार पर उन्होंने साफ कहा है कि हम सब मिल करके इस संकट में स्थिति को निमटेंगे, वो कहते हैं बार बार ये चीज, लेकिन ये जी बात भी सही है कि वो प्रतिपक्ष के लोगों से खुलकर के बात नहीं करते, और ये बताने का बात नहीं बता नहीं पाते हैं कि उनके पास क्या तो है और क्या हम उनको दे सकते हैं। इस देशवासियों को देने के लिए वो दे रहे हैं, अपने स्तर पर दे भी रहे हैं, लेकिन अब ये भी बताना पड़ेगा, प्रतिपक्ष के साथ विचार विमर्श कीजिएगा कि देश की स्थिति ये, आर्थिक स्थिति ये है, और हम इस प्रकार से किस प्रकार से उसको दे सकते हैं। अगर प्रतिपक्ष के नेताओं को विश्वास में लेकर के प्रधानमंत्री रणनीति बनाए तो निश्चित रूप से और सफल हो सकते हैं। मांग वो कहते हैं कि हम सबके सहयोग, मुख्यमंत्री को सबको कहा है कि मुख्यमंत्री का सहयोग है, सबके सहयोग से हम इस देश की स्थिति को सुधारने में यानी ला पाए। आज की स्थिति खराब नहीं है, हम अगर अमेरिका इटली को देख ले तो आज हम भारत में जो स्थिति पे खड़ा है तो कह सकते हैं कि हमारी संख्या इतनी नहीं बढ़ी है पॉजिटिव की, तो लेकिन आने वाले समय में ये संख्या बरकरार रहे और पॉजिटिव नहीं बढ़े तो इसको लिए हमको निश्चित रूप से कुछ कठोर निर्णय करने पड़ेंगे, केंद्र को भी करने पड़ेंगे, राज्य को भी करने, इसलिए राज्य सरकार ने किया निर्णय। श्याम जी आपके पास वापस आ रहा हूँ, रामलाल जी के पास जाना चाहूंगा। रामलाल जी, सोनिया गांधी जी के सवाल से दो बातें निकल रही हैं, ये कोई भी पूछ सकता है कि सरकार हो सके तो आगे की रणनीति अभी बताइए कि आगे क्या करना चाह रहे हैं। आप भी पूछ सकते, हम भी पूछ सकते, सोनिया गांधी पूछ सकते, कोई भी पूछ सकता है, लेकिन इस सवाल में एक सवाल हो रहा है कि क्या केंद्र सरकार प्रतिपक्ष के नेताओं से किसी तरह का कोई गैप रख रही है या चीजों को छुपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा? वैसे क्योंकि महामारी है, प्रधानमंत्री जी ये बात तो कहते हैं कि सब मिलकर के लड़ रहे हैं इसके लिए, लेकिन अगर प्लानिंग बताई जाए या उनसे सलाह मशवरा किया जाए तो आई थिंक फायदा ही होगा इसमें, करना सबको सरकार को ही है, फैसले तो उन्हीं के लेने हैं। देखिए योगेंद्र जी, श्याम जी जो ये बात कर रहे हैं कि प्रतिपक्ष के मान्य सदस्यों को या मान्य व्यक्तियों को या जिनकी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को बिना विश्वास में लिए, बिना चर्चा किए हुए और प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक के अंदर भी बात कही है और समय समय के ऊपर, जैसा दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए, चरित्र एक ही होना चाहिए। जब इनके राहुल गांधी जी कहते हैं कि लॉकडाउन की शुरुआत जो की गई वो लॉकडाउन की शुरुआत बिना किसी तैयारी के की गई, जल्दबाजी के अंदर की गई, उससे पहले तैयारी करनी चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने तो लॉकडाउन की घोषणा 24 तारीख को की है, लेकिन आपके प्रदेश के मुखिया ने तो 23 तारीख को लॉकडाउन की घोषणा कर दी, तो क्या आपके प्रदेश में कांग्रेस शासित जहां मुख्यमंत्री है उन्होंने क्या पूरी तैयारी के साथ लॉकडाउन की घोषणा की थी? समय और परिस्थितियों को देखते हुए जो निर्णय लेना चाहिए वो प्रदेश सरकार भी ले रही है और केंद्र सरकार भी ले रही है। अब रही बात दूसरी कि देश के प्रधानमंत्री जी क्या करने वाले हैं, 17 तारीख के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब से लेकर अब तक युवा नेता या युवराज जिनको कहें या कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको कहें, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहते हैं, या तो उनके सलाहकार ठीक नहीं है जो उनको सलाह ठीक तरीके से दे कि कौन सी समय और परिस्थिति के अंदर कौन सी बात की जानी चाहिए, वो सिर्फ ये कहते हैं धनवान व्यक्तियों के तो आपने इतना लोन माफ कर दिया, गरीब का क्यों नहीं हुआ? अरे भैया, 70 साल तक के शासनकाल के दौरान लोकतंत्र जब बहाल हुआ आजादी के बाद, उससे 50 साल तो आदि के व्यक्तियों ने, आदि के पार्टी के विचारधाराओं या संगठन से सरकार आपने चलाई है, तब से लेकर आप आज भी गरीबी की बात करते रहो। कम से कम इस समय आपको यह होना चाहिए कि देश की जिस तरीके से राजस्थान की विधानसभा चल रही थी, प्रतिपक्ष ने एक स्वर के अंदर यह बात कही थी कि जो सत्ता पक्ष और मुख्यमंत्री सदन के नेता जो निर्णय लेंगे हमारा उनके अंदर साथ है, चाहे वो नियम और प्रक्रियाओं से बाहर जाकर भी अगर निर्णय लेंगे तो भी प्रतिपक्ष उनका साथ देने के लिए तैयार है। और आज भी हम इस बात के ऊपर कायम है कि सरकार राजस्थान की जैसा निर्णय लेगी उस सब निर्णयों के अंदर हमारी सहभागिता है, सहमति है,
लेकिन कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सोनिया गांधी जी को अब तो इस प्रकार की राजनीति छोड़नी चाहिए। गरीब व्यक्तियों को उकसाना बंद करना चाहिए, मजदूर व्यक्तियों के हित के अंदर क्या कर सकते हैं वो काम करना चाहिए। आप अपने कार्यकर्ताओं को कहो तो सही एक बार कि जो जिस प्रदेश के अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश हो या कांग्रेस शासित प्रदेश हो, उन प्रदेशों के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर निकल कर उनकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार होना ये चाहिए योगेंद्र जी, होना ये चाहिए। आज राजस्थान के अंदर जो मजदूर है, जो राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं, वो अगर अपने घर लौट कर चले गए तो उद्योगों को चलाने का काम कौन करेगा? जो राजस्थान के रहने वाले 8 से 10 लाख मजदूर हैं, वो वहां से लौट कर राजस्थान के अंदर आ गए तो क्या उनको रोजगार की व्यवस्था होगी? राजस्थान की सरकार 8 लाख जो मजदूर राजस्थान के बाहर रहने वाले थे वो लौट के राजस्थान में आ रहे हैं तो उनके रोजगार के क्या अवसर देने काम करने की करेगी काम? इस बात के ऊपर मुद्दा, इस चीज के ऊपर चर्चा होना चाहिए। उसी में ये सवाल हमने पहले भी खड़ा किया, यहाँ तो सबसे बड़ी बात यही है कि मजदूरों को लेकर के सरकारों की कोई प्लानिंग नहीं है। इंडस्ट्री चालू करने के लिए तो कह दिया गया है कि इंडस्ट्री चालू करिए, लेकिन बिना लेबर के इंडस्ट्री चालू कैसे होगी? आप लेबर को तो भेज रहे हो, सरकार दोनों को चाहिए था इंडस्ट्रीज के साथ में बात करते कि भाई जो जरूरत की लेबर है उसे रोका जाना चाहिए। इंडस्ट्रीज के सामने सबसे बड़ा संकट लेबर का होगा आने वाले दिनों में। मैं लौटूंगा आपके पास, में एक बार मैं रामकेश जी के पास जाना चाहूंगा, रामकेश जी के पास जाना चाहूंगा। राकेश जी, सोनिया गांधी जी ने यह सवाल खड़ा किया है, बीजेपी का ये ऑब्जेक्शन कि ऐसा वक्त नहीं है कि जिस पे ये बताया जाए, पहले से परिस्थितियों के अनुसार तय किया जाता है कि अगला कदम क्या होगा। सोनिया गांधी जी आज ही क्यों पूछ रही है कि 17 तारीख के बाद क्या होगा? नहीं योगेंद्र जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी जी क्यों नहीं पूछे ये, बस प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत जल्दी में और एक साथ ये निर्णय लिया, लॉकडाउन की घोषणा की पूरे देश में, उससे आप देख रहे हैं किस तरह की अफरातफरी पूरे देश में मच गई है। जो मजदूर जहां था, जो हमारे छात्र हो चाहे कोई कोई दूसरे वर्ग के जो लोग थे, वो जहां थे वही फंस गए। क्या प्रधानमंत्री जी को लॉकडाउन की घोषणा करने से पहले इन लोगों को चांस नहीं देना चाहिए था? इनको निश्चित रूप से इनको अवसर देते, 2, 5, 10 दिन का टाइम देते और ये घोषणा करने से पहले अगर ये ऐलान करते कि जिस भी व्यक्ति को है वो अगर आप घर जाना चाहता है तो क्या है उसके लिए साधन मुहैया करवाते, सुविधा मुहैया करवाते। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी थी। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जल्दबाजी में नोटबंदी का निर्णय लिया, उस नोटबंदी की तर्ज पर लॉकडाउन का निर्णय ले लिया। लॉकडाउन करना चाहिए ऐसी विषम परिस्थितियों में। लॉकडाउन और नोटबंदी दोनों परिस्थितियां अलग अलग है, लॉकडाउन और नोटबंदी परिस्थितियां अलग अलग है दोनों, ये उनका निर्णय। लेकिन इस बात के लिए आलोचना करता हूँ, वहां हमारे पूरे देश में जो मजदूर फंस गया, गरीब फंस गया, आप सोच सकते हो 500, 600 किलोमीटर पैदल मजदूर मजबूर हो गया और जब उसको साधन नहीं मिला तो वो पैदल ही वहां से रवाना हो गया। ऐसी अपराध तफरी की स्थिति हमने कभी देखी नहीं। और अब क्या करके अब लोग अभी भी अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं, घरों पे गरीब लोग पहुंच नहीं रहे, जब हम पूरे देश पूरे वर्ल्ड में से हमारे लोगों को हवाई जहाज से ला सकते हैं, तो गरीब लोगों के लिए भी केंद्र सरकार को साधन मुहैया कराना चाहिए था। केंद्र सरकार मजदूरों का ख्याल रखती और इसी आशंका को लेकर के सोनिया जी सवाल कर रही है कि 17 तारीख बाद में आप बताइए आपका प्लान क्या है। प्रधानमंत्री के पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है, इसलिए सोनिया जी पूछ रही है और सोनिया जी के साथ पूरा देश उसे जानना चाहता है कि 17 तारीख बाद में आप क्या करने जा रहे हैं, आप देश को बताइए। रविंदर जी, चलिए मैं श्याम जी आपके पास आना चाह रहा हूं, अभी श्याम सुंदर जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, यह महामारी का दौर ऐसा है कि इसमें मुझे लगता है कि इसमें हम किस तरह से इससे निपट सकते हैं, फोकस हमारा इस पर होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की स्थितियां दिखते हैं, चाहे राज्यों में हो चाहे केंद्र में हो, लगता है कि अब ये सियासत भी बढ़ सकती है, सियासी पारा चढ़ सकता है, क्योंकि बयानबाजी जिस तरह की हो रही है दोनों ही तरफ से, उसको लेकर के आने वाले दिनों में लगता है कि एक पैरेलल ये रूट भी चलेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में छीना झपटी में बहुत ज्यादा लग जाएंगे, जबकि वास्तव में होना यही चाहिए अभी तो मिलकर के इससे कैसे लड़ सकते हैं। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जब राजनीतिक पार्टी है
उस आधार पर शासन होता है तो ये सारी चीजें संभव है, इसमें दो राय नहीं। दिन बहुत हो गए, अब राजनीति पार्टी राजनीति तो करेंगी राजनीति। देखिए अखिलेश ने, लेकिन अवसर देखना चाहिए, राजनीति करिए, अवसर कौन सा है, कौन सा अवसर है, कब राजनीति कब करनी चाहिए। देखिए योगेंद्र जी बात यह है कि अखिलेश ने पीएम पर एक आरोप लगाया कि आपने लॉकडाउन तो किया, हम उसका समर्थन करते हैं, पूरा देश समर्थन कर रहा है, उसमें दो राय नहीं। लेकिन आप जब ट्रंप को लेके आए, जो आगरा आज जो स्थिति में बना हुआ है या अहमदाबाद जो स्थिति में बना हुआ है, आप अमेरिका वालों को लाए थे, किस तादाद में लाए थे पता ही नहीं है किसी को। उस वक्त कोरोना की स्थिति आ गई थी, तो ये सारी चीजें, क्योंकि अब सारी चीजें आएगी सामने, क्योंकि आगरा जो स्थिति में खड़ा हुआ है या जयपुर खड़ा हुआ है या बाकी के शहर जो मुंबई खड़ा हुआ है, तो हम आज कहेंगे ना कि हमारी परिस्थितियां निश्चित रूप से किन्हीं कमियों के कारण हुई है, निश्चित रूप से केंद्र की है राज्य सरकार की, दोनों की कमियां रही है। लॉकडाउन को लेकर कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन करते हैं ये तो प्लानिंग तो था ही कि कब से करेंगे, ये तो एक दिन जनता कर्फ्यू करने के बाद लॉकडाउन करने की बन रही थी स्थिति, लेकिन कब से करेंगे। इन मजदूरों का अगर समय पर ध्यान रख लिया गया होता, क्योंकि बाकी लोगों को आने जाने दिया गया 3 दिन तक, लेकिन मजदूरों को कहा गया कि रुक जाइए जहां है वहां रोक दीजिएगा। मजदूर वर्ग जिसको कि अपने घर का बाकी का सबका होता है, देखिए देश में करीब 20% मजदूर बाहर काम करता है, निश्चित रूप करता है, जिसकी संख्या छोटी नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है, और उसको अगर समय रहते हुए सही तरीके से इंजाम नहीं किए जाते तो परिणाम देख रहे हैं, सीधा पैदल ही चल दिया वो किसी, आज ही मैं देख रहा था कि भरतपुर के 35 लोगों को फिर वो धौलपुर तक छोड़ के आए, यहाँ से भीलवाड़े से पैदल ही चले गए। तो ये अव्यवस्थाएं तो 100% होगी, क्योंकि मजदूर को जिस स्थिति में है उसके पास पैसा नहीं है, आप खाना दे दोगे और क्वारंटाइन सेंटर में उसको रख दोगे तो उसका पूरा परिवार किस प्रकार से रहेगा, एक बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी होती है उसकी। उसको उसको पता है कि मुझे अपने घर पे पहुंचना है, और पहुंचने को लेकर के वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं प्रधानमंत्री जी का निर्णय गलत नहीं है प्रधानमंत्री जी को, लेकिन विपक्ष को सहयोग तो लेना पड़ेगा। विपक्ष परिस्थितियों के हिसाब से करना था ये निर्णय, ये जैसे देखिए आप रामलाल देखिए रामलाल जी के ऊपर मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता कहते है हैं कि ना। परिस्थिति आपकी क्या है। चलिए 17 तारीख के बाद की बात करना चाहूंगा, लॉकडाउन रेगुलर रहेगा इससे हमें इनकार नहीं कर सकते कि जिस तरह की स्थितियां हैं, और आईसीएमआर की जो रिपोर्ट्स और दूसरी चीजें जो बताती हैं वो ये कहती हैं कि सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है कमिंग डेज में, क्योंकि अभी पलायन हो रहा है मजदूरों का, लोग आ रहे हैं अपने जगह पे पहुंच रहे हैं, तो ये तो तय मानना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति से गुजर सकते हैं। ये आंकड़े हैं, कुछ दिन के लिए स्टेबल भी रह सकते हैं और आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इस स्थिति में तो हम तय मान के चलें कि लॉकडाउन तो बढ़ेगा। श्याम जी, ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन तो देखिए बढ़ना देखिए तय है। योगेंद्र जी, मैं आज सुबह एक सुन रहा था, एक एनालिसिस डॉक्टर्स का जो है, एम्स के डॉक्टर हैं डॉक्टर संजय राय, और एक हैं के अग्रवाल, ये दोनों डॉक्टर्स बड़े डॉक्टर्स हैं, दिल्ली के डॉक्टर, कह रहे थे कि आने वाले समय में 25 मई से 5 जून तक ये हाइट में जाएगा, मतलब और स्थिति खराब हो सकती है। तो इसलिए मैं मान के चलता हूं कि 17 मई को लॉकडाउन पूरी तरीके से खोलने की स्थिति में देश नहीं आएगा, ये निश्चित करिएगा। हमारे राजस्थान को ले लीजिएगा, राजस्थान की जो स्थिति बन रही है उससे साफ है कि 17 मई को हम खोलने की स्थिति में नहीं आएंगे, इसलिए हमने राज्य की अंतर्राज्य सीमा सील की है चले, मैं और लौटूंगा कहा कि कोई नहीं आएगा न कोई जाएगा। आपके पास वापस आ रहा हूं, आपके पास में रामलाल जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार में। रामलाल जी, 17 तारीख को लेकर के चलिए, जो भी है लॉकडाउन तो हो सकता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से पब्लिक आ रही है, अकेले राजस्थान की बात कर लीजिए, 16-17 लाख लोगों का मूवमेंट है आने वाले दिनों में, जब तक कि पूरा जो लेबर इधर से उधर नहीं हो जाती है, लगभग 17 लाख लोगों का आंकड़ा माना जा रहा है, लोग आएंगे भी जाएंगे भी, किस स्थिति में है, कौन कहाँ है, तो मुझे लगता है कि बड़ी स्थितियां बनेंगी। और चुनौतियां सबसे बड़ी जो सरकारों के सामने आने वाले हैं, रोजगार की आएगी। रोजगार अगर आप गांव में, अगर वास्तव में पहले रोजगार के साधन होते तो पलायन करके नहीं जाते, अब उनको कैसे रोका जाएगा, क्या किया जाएगा। 17 तारीख से बड़ी मुझे लग रहा है कि चिंता ये भी होगी, इस स्तर पे कहीं आप लोगों से डायलॉग हो रहा है कुछ किसी तरह का। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं रामकेश जी से ये पूछना चाहूंगा कि रामकेश जी ने अभी कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की बिना तैयारी की है और घोषणा कर दी, तो रामकेश जी क्या प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा की थी 23 तारीख को, तो पूरी तैयारी के साथ की थी? नंबर 1। दूसरा, आप भी
मैं भी अंडा हूँ कांग्रेस जी, पूरे भारत देश के अंदर जिन जमातियों की वजह से संक्रमण फैला है, क्या आप उनकी निंदा करना चाहोगे? क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कहोगे कि हाँ बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जज से आप जांच कराओ, मना कौन कर? मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा। अरे मैं तो राकेश जी, मैं तो राकेश जी के लिए कह रहा हूँ कि उनकी निंदा करोगे क्या? मेन विषय है, आप उनके योगेंद्र जी, मेन विषय ये है कि जिस तरीके से आज होम मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसके अंदर ये था कि सड़कों के ऊपर जाने वाले मजदूरों को आपने रोक कर और एक शेल्टर के अंदर रखने का काम किया था, उन मजदूरों को आप ट्रांसपोर्टेशन करके उनके घरों तक पहुंचाने का काम करें। और उसके अंदर हुआ क्या कि जैसे आपने ऑनलाइन व्यवस्था की रजिस्ट्रेशन की, उसके अंदर सभी लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया, चाहे वो किसी भी तरीके के थे, व्यापारी थे, वो सबने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया। इतनी बड़ी संख्या के अंदर अगर मजदूरों का क्लाइन होगा तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई सार्थक परिणाम निकल कर आने वाले हैं। जिस तरीके से आज भी मैं घटना बताऊं, मैं कलडरा रिको के अंदर गया था योगेंद्र जी, वहां पर जो उद्योगपति, उनकी पीड़ा यही थी कि हमारे काम करने वाले मजदूर चले जाएंगे तो हम फैक्ट्री चलाने का काम कैसे करेंगे? सरकार एक तरफ कहती है फैक्ट्री चलाए, दूसरी तरफ मजदूरों को वो प्लान करा रही है, तो आखिरकार हम काम कैसे कर पाएंगे? दौर में ही लेबर को, शुरुआती दौर में ही लेबर को 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए एक बार रूट खोल देना चाहिए था कि भाई ट्रेन से आप जाइए जिसको जहां पे जाना। आज जो हम कदम उठा रहे हैं ये 40 दिन पहले उठाया जा सकता था। ये कांग्रेस का पे बहुत सारे लोग इस बात को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सरकार को ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया? अगर ये कदम पहले उठाते तो आज ऐसी स्थितियां नहीं रहती। योगेंद्र जी, आप देखिए देश में संघीय व्यवस्था है और केंद्र सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है पूरे देश के तमाम राज्यों को, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था उनके जहां जो मजदूर है उन मजदूरों को उनके गांव में, उनके लोकल स्थान पर पहुंचाने के लिए उनको चांस देना चाहिए था। अगर ये व्यवस्था प्रधानमंत्री जी पहले कर देते तो अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल नहीं होता, लोग अपने घरों पे चले जाते। अगर घरों पे नहीं जाते तो जहां जो है वो रुकना चाहता था वो वहां अपने बंदोबस्त कर लेता, जो छात्र जहां थे वो वहीं फंस गए, दूसरे राज्यों के लोग जो हमारे कोटा में फंसे हुए उन लड़कों को, उन छात्रों को अब जाकर के सरकार के द्वारा अपने गंतव्य पर पहुंचाने की व्यवस्था भी राजस्थान की सरकार ने की है, मुख्यमंत्री जी ने की है। जहां तक रामलाल जी कह रहे हैं कि जमातियों से और जमातियों के बारे में, इनको इस समय जब देश में पूरे महामारी फैल रही है, आम आदमी परेशान है, हैरान है, पूरा संसार परेशान है, पूरा वर्ल्ड में ये विश्व में महामारी फैल चुकी है, ऐसे में भी इनको जमाती जो आपको अच्छी लगती है, जो आपके अनुकूल होगी वही बात कहोगे, जो सत्य उसकी स्वीकार करने में आपको दिक्कत क्या रही है? तो स्वीकार, जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गलती की है उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी की आलोचना करोगे, केंद्र सरकार की आलोचना करोगे, लेकिन केंद्र सरकार ने तो राहत दी है, चाहे उज्ज्वला योजना के रूप में राहत दी हो, चाहे जनधन के खातों के माध्यम से राहत दी हो, चाहे कृषि कल्याण योजना के रूप में राहत दी हो, उसका चर्चा आप कभी नहीं करोगे। आपको करोड़ों रुपए मिलने के बावजूद भी आप कहोगे केंद्र सरकार सहयोग नहीं करोगी, प्रशासन के सामने पहुंचा और प्रशासन में जाकर के उन्होंने स्क्रीनिंग करवाई और सारे के सारे लोग यहाँ से जो रिपोर्ट गई वो सारी नेगेटिव आई है। तो ये हिंदू मुस्लिम का सवाल आप नहीं है, ये आपको शोभा नहीं देता इस हिंदू मुस्लिम की बात करना। जहां तक सवाल है सब लोगों को राजस्थान के विशेष के लिए विशेष और इसी हम तो यही कहेंगे कि कोरोना तो ये यही होना चाहिए कि उनकी जनता है ना कि ये सब लोग करके सारी व्यवस्था जो चिकित्सा कर्मियों की और पुलिस कर्मी जो इसमें लगे हुए हैं इस महामारी में, मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार के प्रयासों में, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और ये उसी का परिणाम है कि आप आज राजस्थान में इसी तरह से चलेगा। लेकिन मैं तो यही गुजारिश करना चाहूंगा कि लड़ना है तो कोरोना से लड़िए, आपस में नहीं। और लगता है कि
ये मुद्दा मायने ये रखता है कि हम मिलकर के कैसे लड़ सकते हैं, इस पर गौर फरमाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की खबरें, देश की दिशा और दशा बदलती राजनीति की खबरें, धोखा विश्वासघात और अपराध की खबरें, जमीन पर चमकते चांद सितारों की खबरें, हर खबर से रहिए बाखबर, हर खबर की तह तक
जन टीवी, जन जन की आवाज। व्यापारी वर्ग से जुड़े हमारे प्रतिष्ठित प्रतिनिधि साथ में हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पदाधिकारी हैं, राजस्थान विधानसभा के दो सदस्य योगेंद्र सिंह अवाना जी और रामलाल शर्मा जी हमारे साथ में, सीताराम जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका स्वागत है। सीताराम जी, हम जानना चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, सरकार का कहना है कि उन्हें राहत दी गई है और सरकार की भी मंशा है, आम आदमी की भी मंशा है, इंडस्ट्री जो रन कर रहे हैं उनकी भी इच्छा है कि अब वापस से इंडस्ट्री पटरी पे आ सके, तो लॉकडाउन के बीच ही कुछ रिलैक्सेशन देते हुए काम शुरू किया है, पहला दिन कैसा रहा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं स्वागत करता हूं कि जो लॉकडाउन 3 के अंदर जो सरकार ने रिलैक्सेशन दी है, इसके लिए हम आभारी हैं। और आज का जो दिन था वो हम लोगों ने ये वहां जाकर के, अभी देखिए तो 1.5 महीने से बंद है इंडस्ट्रीज, स्वाभाविक है उसको चालू करने में टाइम लगेगा, तो हम लोगों ने उसकी एक रूपरेखा बनाई, हमारे स्टाफ से बात की, हमारे कुछ जो एग्जीक्यूटिव्स थे उनको बुलाया, उनको बुला करके हम कैसे प्लांट चला सकते हैं। अभी हमारे पास सबसे बड़ी समस्या लेबर है, अभी जो सबसे बड़ी जो ज्वलनशील मुद्दा है वो है लेबर। फैक्ट्री चलाने के लिए सरकार की मंशा है, हम फैक्ट्री चलाने के लिए तैयार है, हम बहुत आभारी है सरकार के, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लेबर जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं बाहर जाने के लिए, वो लेबर भी करवा रहे हैं जिनको यहाँ पे काम मिला हुआ है, जो हमारी पेरोल के ऊपर हैं, उनको नहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो लोग बेरोजगार नहीं है, उनको सैलरी मिल रही है, उनको खाना मिल रहा है, लेकिन चूंकि क्या हुआ कि एक अभियान चल गया है कि जो बाहर की लेबर है वो यहाँ पे आएगी, यहाँ की लेबर बाहर जाएगी, तो ये समझ नहीं पा रहे और ये बिना सोचे समझे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन में अगर ये लेबर यहां से चली गई तो निश्चित तौर के ऊपर कि जो मंशा है सरकार की कि इंडस्ट्री चले, तो उसके अंदर एक स्ट्रगल खड़ा हो जाएगा। मेरी आपके माध्यम से ये विनती है कि इस फैसले के ऊपर एक बार इसको दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि यहां से जो 8 लाख आदमी जा रहे हैं वो वहां पे उनको कोई काम नहीं मिलेगा, और जो बाहर से 8 लाख आदमी आ रहे हैं उनको यहाँ पे कोई काम नहीं मिलेगा। सपोज कीजिए यहां से लोहार जा रहा है और हमारा जो राजस्थान के बाहर का जो आदमी आ रहा है वो सुनार आ रहा है, तो हमें लोहार की जरूरत है, सुनार की जरूरत नहीं है। इसमें एक बार मेरी विनती है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, इस फैसले के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर उद्योगों को सुचारू रूप से चलाना है, 1.5 महीने से उद्योग बंद है, कमर टूटी हुई है, बहुत बुरी पोजीशन के अंदर उद्योग हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, 50% से ऊपर उद्योग नहीं चल सकेगा। तो हम ये दोनों से ही केंद्र सरकार से भी चाहेंगे कि उद्योगों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे आपने चालू करने की परमिशन दी है, मैं तहे दिल से आभारी हूं। आज उद्योग नहीं चलेंगे, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, सरकार के खजाने में रेवेन्यू नहीं आएगी, तो इसके लिए अगर हम सकारात्मक सोच रखें, आज हमें प्रॉब्लम एक है कि अभी जो अप्रैल की सैलरी मई में देने की जो बात आ रही है वो हम कहां से दे पाएंगे, पूरे अप्रैल एक दिन फैक्ट्री नहीं चली, हम लोग कहां से सैलरी दे पाएंगे। स्वाभाविक बात है कि हमें एक व्यवहारिकता करनी चाहिए, सरकार हमारी माए बाप है, हम कहीं दूर नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं व्यवहारिक रूप से हमारे को फैक्ट्री चलाने के अंदर हमारी मदद। बिल्कुल, हमारा यही सवाल था पहले, आप सीताराम जी जुड़े उससे पहले दोनों माननीय एमएलए साहिबान जो है उनसे भी कि ये फैक्ट्रियां चलाने के लिए सरकार, ये तो ठीक है कि आप
लेबर को इधर से उधर भेज रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी सोचा जाना चाहिए कि जब आप उस स्थिति में भेज रहे हो, जब फैक्ट्री चालू करना चाहता है फैक्ट्री मालिक, लोगों को काम मिल सकता है, सोशल डिस्टेंस देखिए, दो बातें हैं या बहुत ही प्रैक्टिकली हम सब लोग बैठे हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं और काम को बहुत बारीकी से जानते हैं। जो व्यक्ति आपके घर में झाड़ू पोछा करने वाली अगर बाई भी आती है, आप दूसरे के किसी की रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि वो जानती है कि आपके कहाँ बर्तन होते हैं, कहाँ आपकी झाड़ू होती है, कहाँ पोते का कपड़ा होता है, कैसे कमरों में झाड़ू निकालनी है। आप अगर किसी को लेके आएंगे तो सबसे पहले टेंशन ये रहेगी कोरोना फ्री भी है कि नहीं है, क्योंकि आपने उसको उसी तरह से रखा है। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। श्याम जी, सोशल डिस्टेंसिंग की जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको और जो बातें हम देख रहे हैं बड़ी चिंताजनक है। इसके अलावा सबने एक रट लगा रखी है कि लेबर को भेज दो और लेबर को बुला लो। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उलझन है ये, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है सरकारों की कि इस लेबर को घर भेजने से ज्यादा काम जरूरी है। या तो ये तय मान के चल रहे हैं कि लंबा लॉकडाउन जाएगा आगे और स्थितियां और भयावह हो सकती हैं, या सरकारों का एहसास है इस बात का, या पटरी पे लाना है कि लेबर को रोकना चाहिए, उसको भरोसा दिलाना चाहिए बजाय गांव भेजने के। ये मेरा अपना मानना है। जो आज की तस्वीर देखी है, जर्नलिस्टिक अप्रोच से किस नजरिए से देखते हैं आप इसे? देखिए योगेंद्र जी, जो परिस्थितियां सामने दिख रही है, केंद्र सरकार अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई कि लॉकडाउन हम कब तक। देखिए लॉकडाउन तीसरी बार बढ़ गया, अब स्थिति यह है कि मजदूर को खाने के लिए बैठा के कितने दिन दे पाएगा कोई ना। फैक्ट्री सीताराम जी को सही कह रहे हैं कि हम फैक्ट्री चालू करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त यह भी है कि आप कोरोना वाला कोई व्यक्ति मजदूर आपके यहाँ तक नहीं आ जाए, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी रखी है उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में जब रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन बना दिया, और आप देख रहे हैं कई स्थितियां ऐसी आ रही है जहां कुछ भी नहीं था वहां स्थिति विस्फोटक बन रही है, तो आने वाले समय में किस तरह की परिस्थिति होगी, क्या कुछ हो पाएगा, केंद्र और राज्य सरकार कह नहीं पा रही है, क्योंकि जो स्थितियां बनी हुई है वो उसके अनुरूप तो हम मजदूरों को कैसे एक जगह। आप देखिए, आपने अनुमति पहले कह रहे थे हम देंगे नहीं अनुमति, लेकिन अनुमति दे दी, आप ले जाइए लाइए, और विवाद का विषय कई बन रहे हैं उसमें। लेकिन यह है कि मजदूर को आप कहाँ रखोगे, कैसे रखोगे, उसको कैसे विश्वास दिला पाओगे कि आप मजदूर को हम पूरी तरह से सुरक्षित और उसको पूरे तरीके से रोजगार दे पाएंगे, ये नहीं दिला पा रहे हो आप विश्वास। इसी का कारण है कि आप देखिएगा कि अफरा तफरी का माहौल है, कहीं पैदल ही चल दिया आप तो। आज तो अब ये जो 1700 करोड़ रुपए राज्य सरकार हमारी राजस्थान का केंद्र सरकार के पास पैसा है, आज इस कोरोना की महामारी में पैसे की सरकार को बहुत अति आवश्यकता है। मैं मांग करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने 2018 करोड़ रुपए तो लोन ले लिया है राज्य सरकार ने आपको बताया, ताकि 2018 करोड़ रुपए लिया लोन, क्योंकि समय पर टैक्स नहीं मिल रहा है। नहीं, भेदभाव की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ जो हमारा पैसा है 1700 करोड़ जीएसटी का बकाया, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री से एक स्पेशल बजट स्पेशल पैकेज राजस्थान राज्य को करने का। मजदूर राजस्थान के बाहर के राज्यों से आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था किस तरीके से रहोगे, क्या व्यवस्था करोगे? देखिए 8 लाख के मजदूर हैं जो कुछ राजस्थान में हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने घोषणा कर दी है, हर राज्य के जितने भी हमारे मुखिया हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको कह दिया है कि उनकी पूरी व्यवस्था। चलिए मैं रोकना चाहूंगा, ऐसे काम नहीं चलता जी, काम तो करने चलता। अरे रामलाल जी सुन तो लो, आपकी सरकार टाइम पे निर्णय नहीं कर पाई और आपकी हवा निकाल दी सोनिया गांधी ने कह करके, हम संगठन के माध्यम से उसका भुगतान कराएंगे। मधुशाला ये हरिवंश राय बच्चन साहब की जो कविता लिखी उन्होंने मधुशाला, उसको ध्यान में रखिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ें। मुझे लग रहा है कि आप इस तरह से तोड़ेंगे, सरकारों को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि 40 दिन की तपस्या जिन लोगों ने घर में रहकर के की है, बिना किसी ये कहें कि किसी को परेशान किए, बिना किसी तरह से अपना मूवमेंट किए हुए वे होम क्वारंटाइन रहे 40 दिन तक, और कह सकते हैं कि जुर्म किसी का और सजा कोई भुगत रहा है। अब आगे मत बढ़ने दीजिए इसे, और मुझे लगता है कि सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और सरकारों को रोकना चाहिए, अगर सख्त रवैया इख्तियार करना पड़े तो सख्ती से पेश आना चाहिए, लेकिन कोरोना के जद को अगर आपको रोकना है वहीं पे, तो सोशल डिस्टेंसिंग को आपको मैनेज करना होगा और आपको उसे सख्ती से पालना करानी पड़ेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।